नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत में अनुवाद करने नहीं आता है, नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण देखना, पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद अनुवाद करने के लिए बैठ जाना। 100% गारंटी कि आप सीख जाओगे। बस वीडियो को देखना यार, कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक चीज। ठीक है, जैसे आपको इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लकार की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो लकार उसी को इंग्लिश में कहते हैं टेंस और उसी को हिंदी में कहते हैं काल। समझ में आ रही बात? अब देखिए, लकार जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, वैसे 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे लकार का पहला जो हो गया लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। अभी नहीं समझे होंगे, अब समझिएगा। देखिए, लट लकार में जो होगा, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश में जो आप कह सकते हैं इसको प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब नहीं समझ में आया, और चीज समझ में आएगी। अब देखिए, लट लकार को आप हिंदी में कहिएगा वर्तमान काल और लट लकार में जो भी सेंटेंस रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा, वो किस चीज में रहेगा? वर्तमान काल में रहेगा। लग लकार में जो भी वाक्य रहेगा वो भूतकाल में रहेगा। भूतकाल किसको कहते हैं ना? पास्ट को, बीता हुआ। ठीक है, अब तीसरा जो है लिट लकार, उसमें जो सेंटेंस रहेंगे वो भविष्यत काल में रहेगा। जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, ये सारी चीज। ठीक है, अब आइए लोट लकार। लोट लकार को समझिए, लोट लकार में जो वाक्य रहेंगे वो अज्ञार्थक रहेंगे। जैसे कहेंगे जाओ तुम आज सिनेमा हॉल में केजीएफ फिल्म देख लेना। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं देखिएगा, ये हो गया आज्ञा दे रहे हैं आपको। वहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, तुम कलम से लिखो, ये आपको आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, और विधि लिंग लकार की बात करें तो इसमें जो वाक्य होगा, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए, हम लोग को देश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे वाक्य कहां मिलेंगे आपको? विधि लिंग लकार में। ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आता, बिल्कुल आप लोग क्लियर हो जाइएगा। अब यहां पे देखिए, मैंने लिखा टेंस, इसका मतलब क्या है जान रहे? देखिए टेंस जो है, अगर कोई बच्चा टेंस पढ़े होंगे तो लकार बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टेंस के होते हैं 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहां पे आपने देखा लट लकार जिसे आप प्रेजेंट टेंस मानेंगे और लंग लकार जिसे आप भूतकाल मानेंगे और लिट लकार जिसे आप फ्यूचर टेंस मांगे। ठीक है, मानना है, कहानी खत्म। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने टेंस पढ़ा था और टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पढ़े थे। लेकिन आपको संस्कृत में, ये जो संस्कृत में है वर्तमान काल लट लकार, इसमें चारों का चारों सेंटेंस हो जाएगा। नहीं समझे? अरे जैसे है मैं पढ़ता हूं, देखिए मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये हो गया, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन संस्कृत में अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इस दोनों सेंटेंस का अलग अलग ट्रांसलेशन बनता है, लेकिन संस्कृत में जो है दोनों का एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वर्तमान काल वाला जो भी सेंटेंस रहेगा लट लकार में ही रहेगा। ठीक है, समझा रहे हैं आप लोग को। लंग लकार में पूरा का पूरा बीता हुआ भूतकाल वाला सेंटेंस इसी में रहेगा और भविष्यत काल वाला सारा का सारा इसी में रहेगा। कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। अब ये चीज समझ गए तो आइए कुछ चीज और भी बेसिक चीज लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुम पढ़ते हो, अगर इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या लिखेंगे? यू रीड। क्या लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन? यू रीड। ठीक
ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ी, सब्जेक्ट, कोई भी अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब की जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज समझिए कि यहाँ पे तो आप तुम का इंग्लिश जानते थे, यू होता है, ठीक है, और पढ़ते का इंग्लिश जानते थे, रीड होता है, तब तो आप बना दिए यू रीड। तो उसी प्रकार से संस्कृत में जो तुम का संस्कृत होगा क्या होगा, त्वम होगा, ठीक है, त्वम होगा, क्या होगा, त्वम होगा, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा है। थोड़ा जिन बच्चे को लग रहा है कि सर बोर हो रहे ये चीज जान रहे, तो आगे खींच के स्किप करके वीडियो को देखिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये क्या हो गया, तुम त्वम हो गया। पढ़ना का जो है यहाँ पे पट होता है, ठीक है, पट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वम पठसी, क्या हो जाएगा, त्वम पठसी। तो सर ये कैसे हुआ, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूं, थोड़ा गौर करना आप लोग, बस उसके बाद आप लोग गर्दा छुड़ा दीजिएगा। मैं घर जा रहा हूं, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू हाउस, ठीक है, आई एम गोइंग टू हाउस लिखेंगे। अगर इसे संस्कृत में लिखना है तो क्या लिखेंगे, अहम अहम गृहम, और जाना का क्या होता है, गच्छ होता है, गच्छ, और मैं अहमिस मैं गच्छामि, ठीक है। अब ये चीज समझिए, कुछ चीजें आपको आगे बता रहे, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपने इंग्लिश में बनाया आई एम गोइंग, तो देखिए यहाँ पे गोइंग में जो है गो मिस होता है जाना, आई एन जी जोड़े हैं सहायक वर्ब, ठीक है, जोड़े हैं ना जी, क्यों जोड़े हैं, क्योंकि सर जा रहा में आई एन जी लग जाता है वर्ब में। उसी प्रकार से इसके वर्ब में भी संस्कृत के वर्ब में गच्छामि होता है, कैसे होगा वो चीज आप लोग को सिखाते हैं। वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में कुछ ना कुछ लगता है, इंग्लिश में भी हो या संस्कृत में हो, दोनों में लगता है, ठीक है, ये चीज समझा रहे थे, बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग सब्जेक्ट जो होता है, जैसे मैं, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, इसका संस्कृत जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी वे में आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, अब ये पुरुष है, पुरुष के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल बताते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पर्सन, और पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। संस्कृत में भी जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। साथ में आप ये भी समझ लीजिए यहाँ पे वचन है, क्या है, वचन। अब देखिए वचन जो है संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। तो वचन जो है संस्कृत में एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। इंग्लिश में मैं बात करूं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल नंबर, और हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। ये चीज दोनों समझ में आ गया, पुरुष और वचन दोनों समझ गए। अब आइए सब्जेक्ट को, वह, तुम सब, मैं का क्या होता है इंग्लिश, सॉरी संस्कृत, वो समझ लीजिए बिल्कुल। तो आप लोग को याद क्या करना है, तीन उंगली निकालना और तीन उंगली के साहित्य ही आप लोग को याद कर लेना है। क्या देखिए यहां पे देखिए सहतौते, सहतौते कहते हैं बच्चा सहल को के, वही बात है, सहतौते तुम युवाम यूयम अहम आवम वयम, बिल्कुल ये जो है तीन का तीन, तीन नौ छ, तीन के नौ, नौ ये को याद रखना है। की कहेंगे सहतौते त्वम युवम युवम अहम आवम वयम, ठीक है। आइए तो सह मीन्स होता है वह, तो मीन्स होते हैं वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे सब, त्वम मीन्स होता है तुम, युवम मीन्स होता है तुम दोनों, युवम मीन्स होता है तुम सब, अहम मीन्स होता है मैं, आवम मीन्स होता है हम दोनों, और वयम मीन्स होता है हम सब, आम, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया।
अब जो वर्ब के साथ लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आईएनजी लगाए और यहाँ पे गच्छामी लगाए, तो ये जो है अगर सा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशन क्या करेंगे, अनुवाद क्या करेंगे, स पठ सी पठती, क्या लिखेंगे, स पठती, तो वे दोनों खेल रहे हैं, तो खेलता, तो क्रीडता, ठीक है, खेलना या क्रीडता, ये होता है। ये आपको याद रखना, इसको ये याद रखेंगे, सह तो ते त्वम युवम युवम अहम आवम वयम, इस प्रकार से। और इसको जो है ये याद रखना है, तीतः अंति सीथ थो आमी आवह आमा, फिर से एक बार, तीतः अंति सीथ थो आमी आवह आमा आमा, ठीक है, ये कहानी खत्म होगी। ये चीज समझ में आ गया, अब आते हैं हम थोड़ा सा अनुवाद करने पे, ठीक है मेरे भाई। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, देखो पसीना बहा रहे हैं, और लाइक नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे संस्कृत में आप लोग को अनुवाद करना है, मैं पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों इस चार्ट में देखिए मैं कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम, आप लोग लिख देंगे यहाँ पे अहम, ठीक है, अहम लिखा गया। पढ़ना का क्या होता है, पढ़, ठीक। अब देखिए इसके साथ त्व, सॉरी यहाँ पे ना अहम मैं, और इसके साथ भर के साथ क्या लगाएंगे, आमी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पठामी, क्या हो जाएगा, पठामी, क्लियर हो गया। अब देखिए तुम पटना जा रहे हो, तुम का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, त्वम होता है, क्या होता है, तुम का त्वम होता है। पटना का क्या होता है, तो कहेंगे सर पटना का सुने हैं पाटलिपुत्रा होता है, पाटलिपुत्रम, क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्रम, संस्कृत में क्या लिखते हैं, पाटलिपुत्रम। अब जाना, जा रहे हैं, जाना का क्या होता है, गच्छ, तो गच्छ लिख दिए। अब देखिए त्वम के साथ क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सी, तो जोड़ दीजिए उसके अंत में सी, गच्छसि, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बातें। अब यहाँ पे है वह, वह का क्या होता है सर, स होता है, वह का क्या होता है, स होता है, यहाँ पे लिखेंगे स, और विद्यालय का होता है विद्यालयम, लिखिए विद्यालयम, ठीक है, स विद्यालयम। जाना का क्या होता है, गच्छ होता है, और स के साथ क्या जो लगेगा, ती लगेगा, किसमें, भर में, ती क्या हो जाएगा, गच्छति, बिल्कुल, वह विद्यालय जाता है, संस्कृत करेंगे स विद्यालयम गच्छति, ठीक है। वे सब पढ़ते हैं, कौन सब, उ सब पढ़ते हैं, वे सब, तो वे सब का क्या होता है, ते होता है, लिखेंगे यहाँ पे संस्कृत में ते, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, हाँ ते। पढ़ना का क्या होता है, पठ, ठीक है, पठ, और अंति लिखा हुआ है ना जी, ये क्या लिखा, अंति, तो लिख दीजिए अंति। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ते पठंती, क्या हो जाएगा, ते पठंती। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हम चर्चा किए हैं लट लकार के बारे में, किस चीज के बारे में, लट लकार के बारे में। बाकी जो अभी है लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार, इसका एक एक अलग अलग पार्ट आएगा, बस ये पांच पार्ट का वीडियो आएगा, अगर पांचों पार्ट देख लीजिएगा तो बिल्कुल गर्दा छोड़ा दीजिएगा, ठीक है, अनहरियों में कलम चलेगा, ठीक। तो अभी मैंने बात किया लट लकार पे, और लट लकार के से पहले भी आपको मैंने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन ये इस वीडियो के बाद जो होगा डायरेक्ट इस पे लेके चलेंगे और उस पे लेके चलेंगे, ठीक है, इसको समझा देंगे और इसको समझा देंगे। तो आप जो है इसमें जो है बहुत सारे हैं, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब से एक एक सेंटेंस लीजिए, मैं खेल रहा हूँ, वह जा रहा है, राम गाना गा रहा है, सीता
नाच रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटेंस लीजिए और आप वर्तमान काल का ही सेंटेंस लीजिएगा, अभी बैठ रह के बनाना स्टार्ट कीजिए और 100% गारंटी है कि आप लोग बना लीजिएगा। कुछ नहीं था ये टेबल में याद करने में, कुछ था जी नहीं ना, का याद किए थे, सह तौते त्वम युवम युवम अहम आवम वयम, ठीक है, ये हो गया भर्ग के लिए। तीता अंति सीथा थो आमी आवह आमा, ठीक है, तो आमा हो गया, कहानी खत्म ना, लट लकार समझ गए, ठीक है, अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद आपके लिए तो वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। थोड़ा तो पसीना ज्यादा चल रहा है, गर्मी का समय है समझे, और वीडियो बनाने वक्त पंखा नहीं चलाया जाता, नहीं तो पंखे वाला आवाज आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आप लोग को लंग लकार भी देखना है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।